नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी परेशानियों को देखकर घबरा जाते हैं तो ये कहानी आपके लिए है। तो सुने, एक समय एक राजा ने अपने सैनिकों को कहा कि एक बड़ा सा चट्टान रास्ते के बीचों बीच रख दिया जाए और देखा जाए कि कौन इस चट्टान को हटा जाता है। तो सैनिकों ने वैसा ही किया, बड़े से चट्टान को रास्ते के बीचों बीच में रख दिया और छुपकर उसको देखने लगे। काफ़ी दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए, जो आता था चट्टान से बचकर निकल जाता था, रास्ता बदल लेता था। कई लोग उसमें, कई बड़े बड़े व्यापारी भी आए, राजा को ही कोसना शुरू कर दिया कि वो कैसा राजा है, इस बड़े से चट्टान को नहीं हटा पा रहा है। अपने सैनिकों को कहकर ये बड़ा सा चट्टान तो हटवा ही सकता है, वो राजा को ही कोसने लगे और किसी ने भी कोशिश नहीं की कि इस चट्टान को हटाया जाए। तो एक दिन सब्जी वाला आया, उसने सर पे सब्जियों की टोकरी रखी हुई थी। अपने सब्जियों की टोकरी को उसने बगल में रखा और सोचने लगा कि इस रास्ते पे बड़ा सा चट्टान पड़ा है, लोगों को आने जाने में कितनी परेशानी होती होगी। तो उसने बड़े से लाठी को उठाया और उस बड़े से चट्टान को हटाने की कोशिश करने लगा। काफ़ी मशक्क़त के बाद उसने उस चट्टान को रास्ते से हटा ही दिया। जैसे ही वो उस रास्ते से वापस जाने लगा तो उसने देखा कि चट्टान के नीचे एक पोटली पड़ी है जिसमें काफ़ी सोने के सिक्के हैं और इसमें एक संदेश था जिसमें राजा ने लिखा हुआ था कि यह सोने के सिक्के उस इंसान के होंगे जिसने इस चट्टान को हटाया है। तो वह खुशी खुशी अपना इनाम लेकर वहाँ से चला गया। तो राजा ने उसे बुलाया और उसका धन्यवाद किया। और तो इसी तरह से कई लोग परेशानियों से बचकर निकल जाते हैं, जिस तरह से लोग उस चट्टान से बचकर निकल रहे थे। लोग जीवन में कई लोग होते हैं जो जीवन में अपने परेशानियों से रास्ता बदल लेते हैं। कुछ लोग ही होते हैं जो अपने परेशानियों से डटकर सामना करने का ठानते हैं और उन्हें कुछ इतना बड़ा अचीव हो पाता है, इतना कुछ बड़ा मिल पाता है जो परेशानी से बचकर निकलने वाले छोड़ जाते हैं।